नमस्कार दोस्तों, टेस्टी फूड विद रिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ आधा कटोरी सूजी और आधा कप पोहा से बहुत ही टेस्टी हेल्दी सा नाश्ता, जिसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। तो दोस्तों ये आधा कटोरी मैंने सूजी ली है नॉर्मल, जो घर पे बारीक मोटी जो भी सूजी आपके पास हो वो ले लें, और आधा कप लिया है मैंने यहाँ पर पोहा, जो हम नॉर्मली नाश्ते के लिए यूज करते हैं, सिंपल वाला पोहा लिया है। इन दोनों ही चीज़ों को हमें ग्राइंडर जार में डाल लेना है। अब मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ चीनी, इससे शाइनिंग बहुत अच्छी आती है नाश्ते में। और मैंने एक कटोरी से थोड़ा कम पानी ऐड किया है और दो चम्मच मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। आपका दही खट्टा नहीं है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और एक चम्मच मैंने इसमें डाला है ऑयल और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ऑयल से ये नाश्ता अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है। पानी हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो और ऐड कर लेंगे बाद में। अब इसको हमें दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है पेस्ट को। अच्छे से हमारा पेस्ट पिस के तैयार हो गया है और इसमें थोड़ा सा पानी अब मैं इसमें ऐड करके जार में और इस सारे बैटर को धोकर उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच साबुत जीरा कच्चा वाला, और एक चम्मच मैंने डाला है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और दो से तीन चम्मच बारीक कटे हुए टमाटर। आप वेजिटेबल्स अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से 2 मिनट फेंट कर तैयार करना है, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा फूला फूला बनेगा और एकदम सॉफ्ट अंदर से बनकर हमारा यह नाश्ता तैयार होगा। इसे 5 मिनट हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। सूजी और पोहा फूलकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तब तक मैं ये 3 कटोरियाँ ली हैं, इनको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। आप किसी भी शेप में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, मैं इन्हें कटोरी में बनाकर तैयार कर रही हूँ। तीनों ही कटोरी को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और 5 मिनट हमारे बैटर को हो गया है। इसे एक बार और चला लेते हैं थोड़ा सा, तो अच्छे से ये फूल गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब इनो पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर खाने वाला सोडा यूज कर सकते हैं, और नहीं बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो डाल लें। और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो जिसे देखिए, जैसे ही हम इनो को इसमें मिक्स करते हैं, ये हल्का सा फ्लफी दिखने लगता है। अब सारे बैटर को हमें अपनी कटोरियों में ट्रांसफ़र कर लेना है। आप जिस भी बर्तन में बना रहे हैं उसमें इसे डाल लें। तो मैं तीनों ही कटोरियों में इक्वली इसे डिवाइड कर लेती हूँ, और कटोरियों को फुल नहीं भरना है, थोड़ा खाली रखना है, जिससे हमारा जो नाश्ता फूलेगा वो अपनी शेप ले लेगा अच्छे से। तो मैंने इनको अच्छे से फ्लप कर लिया है, और ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ चाट मसाला, मैगी मसाला, कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में 1 कप पानी को गर्म होने रख दिया था। उसमें इस तरीके से कोई कटोरी या प्लेट रखेंगे और उस पर एक जाली रख लेंगे। जाली है तो वो रखें, नहीं तो कोई प्लेट भी रख सकते हैं। और इस पर मैं ये तीनों कटोरियाँ अरेंज कर देती हूँ, और ढक्कन लगाकर अब हम इसे स्टीम होने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस की लो हमें मीडियम टू लो रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई गैस पर नहीं रखना है। देखिए बहुत ही अच्छा सा नाश्ता हमारा फूल कर ये तैयार हुआ है। इसे एक बार हम चाकू से चेक कर लेते हैं, चाकू क्लीन निकला है, एकदम परफेक्ट हमारा ये स्टीम होकर नाश्ता तैयार हो गया है। देखिए ठंडा होने पर ये कटोरियाँ खुद ब खुद छोड़ देता है, लेकिन चाकू से एक बार इस तरीके से हम चारों तरफ से घुमाकर इसे शेप में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना यूनिक, कितना टेस्टी और कितनी जल्दी बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी है। हेल्दी भी है, बिना ऑयल के हम इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं। 2 से 3 चम्मच ऑयल में ये हमारा पूरा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और सुबह की भाग दौड़ में हमें हल्का फुल्का नाश्ता इस तरीके का टेस्टी सा मिल जाए तो उसकी बात कुछ और ही होती है। यहाँ पर मैं इसे हल्का सा रोस्ट करूँगी, यानी कि फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैंने एक तवे पर 1 चम्मच ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और इस पर ये सारी टिक्कियाँ जो हमने कटोरी से निकाल कर रखी हैं, इनको हम रख देंगे सेकने के लिए। इसे दबाते हुए अच्छे से हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक सेकना है। तो देखिए बीच बीच में इस तरीके से हम इसे दबा कर सेकेंगे, और जब इस पर अच्छा सा नीचे से हमें कलर दिखाई देने लगेगा तो इसे हम दूसरी साइड से पलट लेंगे। तो देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर हमें दिखाई दे रहा है, इतना ही हमें सेकना है इसे। इससे इसका
टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए दोनों ही साइड से उलटते पलटते हमें इसे इस तरीके से गोल्डन कलर होने तक सेक लेना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाला ये नाश्ता है दोस्तों, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।